तो 1 फरवरी से हरियाणा में निजी और साथ ही सरकारी स्कूल एक बार फिर से खोलने जा रहे हैं। भिवानी में स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी के बीच हरियाणा में एक बार फिर से स्कूलों पर लगा ताला खुलने जा रहा है। हरियाणा सरकार ने सभी जिले के निजी और सरकारी स्कूल संचालकों को आदेश जारी किए हैं। 1 फरवरी से प्रदेश में 6ठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोला जा रहा है। स्कूल खोलने को लेकर भिवानी जिले में प्रशासन की तरफ से सभी स्कूल संचालकों को निर्देश जारी किए गए। सरकारी गाइडलाइन के तहत ही स्कूलों को खोला जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से इस बार स्कूल के टाइम में भी बदलाव किया गया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल चलेगा। साथ ही स्कूल में छात्रों और शिक्षकों को पूरी तरह से सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। भिवानी जिले के राजकीय वरिष्ठ विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि स्कूल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है, साथ ही हर बच्चे के लिए मास्क अनिवार्य होगा। आप सभी को पता है कि अभी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ने कल ही 29 जनवरी को एक लेटर इश्यू किया है, जिसमें स्कूल को रीओपन करने का सवाल है। और स्कूल में जो रीओपनिंग का है वो 6ठी से 8वीं क्लास तक के बच्चों को बुलाया जाएगा, जो अभी तक नहीं आए थे, क्योंकि अभी तक 9th से 12th तक के बच्चे स्कूलों में आ रहे थे। इसमें सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सभी जो है प्रोटोकॉल्स जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऑलरेडी इश्यूड किए गए हैं, उन सभी को लागू किया जाएगा। वहीं स्कूल प्रशासन की तरफ से बच्चों की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। एंट्री गेट पर सैनिटाइजर रखा जाएगा, साथ ही बच्चों को स्कूल में एंट्री करने से पहले कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, जिसके बाद ही छात्रों को स्कूल में एंट्री मिलेगी। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के बाद अब 6ठी से 8वीं कक्षा की स्कूल खोलने की तैयारी भी शिक्षा विभाग ने कर ली है। 1 फरवरी से 6 से लेकर के 8वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को स्कूल में आना है, लेकिन स्कूल में आने से पहले उन्हें चिकित्सकों से अपना प्रमाण पत्र लेना होगा। स्कूल सारी व्यवस्थाएं कराएगा ताकि किसी को कोई कोरोना का संक्रमण ना फैले। इसके लिए सैनिटाइजर का प्रयोग स्कूलों में पहले किया जाएगा, स्कूलों की पूरी सफाई की जाएगी। साथ ही प्रत्येक बच्चे का टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा। जिस बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसे स्कूल में आने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि जिस प्रकार से नियम बनाए गए हैं, पत्र जारी किया गया सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि किसी भी बच्चे को अगर कोरोना का संक्रमण होता है तो 10 दिन के लिए उस पूरी विंग को बंद कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि शिक्षा विभाग किस प्रकार के नियमों को अपना करके ये स्कूल शुरू करता है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।